गाइस आज छोटो हम बात करेंगे बीडी जीबीन में अपना अकाउंट नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल जाता है। गाइस अगर आपका खाता नंबर गलत हो गया गाइस, या किसी वजह से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है खाते में, तो मैं बताऊंगा उसको कैसे चेंज कर सकते हैं गाइस, ठीक है, या तो उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे हिंदी चैनल नए हैं तो प्लीज गाइस मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगर वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को देखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको जाना है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर गाइस उसका देखते हैं लाइव चैट, इस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। फिर देख सकते हैं सेल्फ सर्विस कस्टमर सर्विस, देखते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस यहां पर कुछ लोडिंग लेगा गाइस, आप न्यू पेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर गाइस देख सकते हैं यहां पे इशू लिस्ट, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए, तो मॉडिफाई बैंक अकाउंट और चेंज बैंक अकाउंट गाइस, ठीक है। तो गाइस मॉडिफाई उन केस में होता है गाइस अगर आपने खाता नंबर डाला उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गाइस, जैसे आईएफएससी कोड हुआ या तो अकाउंट नंबर में कोई एक दो अंक मिस्टेक हो गया, उस केस में आप मॉडिफाई कर सकते हैं गाइस। अगर आप पूरा चेंज करना चाहते हैं, यानी दूसरा खाता ऐड करना चाहते हैं, चेंज बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर चेंज बैंक अकाउंट करके दिखाऊंगा गाइस, ठीक है, न्यू खाता ऐड करके दिखाऊंगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले पूछा जाएगा बीडी जीबीन आईडी गाइस, ठीक है, बीडी जीबीन आईडी यहाँ पर ऐड करना। पहले दूसरे नंबर को बीडी जीबीन आईडी का स्क्रीन शॉट डालना है, फोटो एक रखने रहा है, वैसे आप बोल रहा फोटो ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड मतलब प्रूफ बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दे दीजिए, जो भी आपके पास प्रूफ होगा आईडी प्रूफ, यहाँ पर उसको फोटो डालना है, ठीक है। उसका सब बोल रहा है यहाँ पर फोटो ओल्ड बैंक पासबुक, यहाँ पर आप जो खाता नंबर डाले गए उसका पासबुक यहाँ पर डालना, ठीक है, उसका फोटो ले लीजिएगा। फिर बोला है यहाँ पर फोटो ऑफ न्यू बैंक पासबुक, यानी कि नया पासबुक जो होगा आपका उसका फोटो यहाँ पर डालना, ठीक है। फिर गाइस देखते हैं नीचे आपको लास्ट डिपॉजिट रिसीव, यानी कि आपने जो बीडी जी में पैसे डाले थे लास्ट, आपने कब पैसे डाले थे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ डालना है। फिर उसके साथ आपको जो भी बैंक ऐड करना है उस बैंक का यहाँ पर नाम डालना है। फिर बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आप जो खाता ऐड कर रहे हैं उसमें क्या नाम है उस नाम को यहाँ पर ऐड करना है। और फिर उसके साथ बोल रहा है बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि अपना खाता नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आईएफएससी कोड मांग रहा था, अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। फिर उसके साथ आपको फोन नंबर ऐड डालना है। उसका साथ पूछ रहा है रीजन, पूछ रहा है कि किस रीजन से आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रीजन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जो भी आपको इशू आ रहा है आप लिख दीजिएगा। इतना करने वाला सबमिट इशू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेगा, लोडिंग लेगा गाइस, इस प्रोसेस को मैंने पहले कर चुका हूँ गाइस, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं करूंगा। फिर इसको बैक कर लेना गाइस, उसका सबको वेट करना 48 घंटा गाइस, ठीक है। वेट करने के बाद बैक आ जाएंगे, फिर अपने हम देख सकते हैं आईडी में यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन देख रहे मिल रहा है, इस पर विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे विड्रॉ क्लिक करेंगे गाइस आप देख सकते हैं पहले का जो भी अकाउंट नंबर आपका रहेगा गलत या सही जो भी रहेगा अकाउंट नंबर, उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं अपनी यहाँ पे एनेबल हो गया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, देख सकते हैं ऑप्शन। तो आप सिंपल से अपने बैंक अकाउंट का ऐड करने के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट में अपना बैंक चूज करिएगा, कौन सा बैंक आपका है, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक चूज करिएगा। और गाइस इसको ध्यानपूर्वक चूज करिएगा गाइस, ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। उसका सा अपना नाम डालिएगा, जो भी बैंक अकाउंट में नाम रहेगा, ठीक है, उसका सबको अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसका से गाइस आपके नीचे आप देख सकते हैं फोन नंबर ऐड करना है गाइस, फोन नंबर डालना है। फिर जैसे ईमेल आईडी डालना है गाइस, उसका सा आईएफएससी कोड डालना है। इतना करने बाद आपको सेव कर देना गाइस, जैसे सेव करेंगे आपका खाता नंबर सेव हो जाएगा, बदल जाएगा गाइस, ठीक है। और गाइस यहाँ मैं दोबारा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खाता नंबर पहले से ही सही है गाइस, ठीक है, इसलिए मैं बस आप लोग को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।